गुना से योगेश लोधा की रिपोर्ट। शहर के कैंट क्षेत्र स्थित श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर पर 4 नवंबर से 12 नवंबर तक श्रीराम कथा का आयोजन होने जा रहा है। श्रीराम कथा के साथ अलग अलग दिनों में अन्य धार्मिक अनुष्ठान भी संपन्न होंगे। आयोजन की जानकारी देते हुए संत सियाराम दास महाजन ने बताया कि महामंडलेश्वर श्री सुदर्शन दास महाराज श्री किशोरी कृपा धाम वृंदावन के मुखारबिंद से राम कथा का वचन किया जाएगा। धार्मिक कार्यक्रमों की श्रृंखला में आज हनुमंत अर्चना और सुंदरकांड का आयोजन। इसी क्रम में 4 नवंबर को कलश यात्रा के साथ ही श्रीराम कथा का शुभारंभ, 6 नवंबर को अत्रकूट महोत्सव, 12 नवंबर को तुलसी विवाह के साथ श्रीराम कथा का समापन होगा। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू मनाली से आए श्रीमती मीना बालकृष्ण शर्मा द्वारा श्री राम कथा का आयोजन कराया जा रहा है। उन्होंने सभी धर्म प्रेमी बंधुओं से धार्मिक आयोजन में सहभागिता कर धर्म लाभ उठाने का आग्रह किया। जो देखा सो दिखाया की स्थापना हुई है पंचमुखी हनुमान आश्रम, जो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से तो यही है, लेकिन यहाँ राष्ट्रवाद की जो भी गंगा जहाँ से भी बहनी हो तो यहाँ ये एक माध्यम बना हुआ। केवल यहाँ पर एक ऐसा मंदिर और ऐसा स्थान बना हुआ है जहाँ संत सेवा होती है। प्रायः संत सेवा का बड़ा अभाव पूरे देश में देखने को मिलता है, लेकिन अपने पूरे हिंदुस्तान से संत लोग आते हैं, यहाँ विश्राम करते हैं, उनकी पूरी भोजन आदि इत्यादि की सब पूरी व्यवस्था होती है और अंत में विदाई भी उनकी की जाती है। एक भाव जागृत हो सनातन के प्रति, तो युवाओं को आकर्षण भी ये बना हुआ है। हमने युवाओं के दृष्टिकोण से 2 राष्ट्रीय कार्यक्रम भी कराए हैं, जो पुष्पेंद्र जी कुलश्रेष्ठ के माध्यम से उन्होंने इस हिंदुस्तान की सनातन संस्कृति को जगाने के लिए जो कार्यक्रम दिए उसके माध्यम पे हमारे पूज्य सियाराम बाबा रहे हैं। सियाराम बाबा युवकों के आस्था के केंद्र और आध्यात्मिक गतिविधि के साथ साथ राष्ट्रवाद की गंगा बहाने में आपका सदैव हम सबके प्रति आशीर्वाद रहा है और यही चाहते हैं कि गुना का हर जन, हर नागरिक उसके घर में सुख सब। आपके द्वारा मैं एक शहरवासियों को और मैटर अशोक शर्मा जी ने ये जमीन जो है सुदामा कुटी को दान किया था और यहाँ कोई ट्रस्ट और क्षमति नहीं। गुना में कुछ हवा ऐसी उड़ रही है, इसका ट्रस्ट क्षमति इसका कोई मालिक नहीं, हनुमान जी मालिक है और श्री सुतीक्षण दास जी वृंदावन सुदामा कुटी का ये यहाँ पर जो है रख रखाव और देख रेख वो लोग कर रहे हैं। बोले अध्यनाथ की जय, की जय। परम पिता परमात्मा की असीम कृपा से बाबा लक्ष्मण दास जी महाराज की तपस्थली पंचमुखी हनुमान आश्रम में गत प्रतिवर्ष की भांति चौथी बार हनुमान जी का अभिषेक हो रहा है। द्रव्यों के द्वारा जो है 1000 पुष्प अकौवा के, 1000 नीले कौवा, 1000 गुलाब, 1000 गाय से बने हुए घी के जो 56 भोग और वो लड्डू जो है उससे जो है अर्चना होती है और सब रसों से जो है और अर्चना की पद्धति जो है देव उपासना में आती है, जो है इसको देव पूजा बोलते हैं, जहाँ पे गाय से गीत समृद्ध हो और उसके बाद गोपाष्टमी के दिन गौ अर्चन है उसमें भी यही विधि है, 1000 गुलाब, 1000 लड्डू, 1000 फल और ये मंडप में बंद कर गाय की अर्चना होगी। और 12 नवंबर को तुलसी विवाह है जो है और कुल्लू मनाली से बालकृष्ण शर्मा जी आए हुए हैं और इस कार्यक्रम के आयोजक वही हैं और अन्नकूट जो पूरा गुना मिलकर करता है वो हमारे यहाँ 15,000 लोगों के भोजन की व्यवस्था 6 तारीख को अन्नकूट और 4 तारीख को हमारी कलश यात्रा निकलेगी और इस गाय पे इस आश्रम पे आशीन कृपा गौओं की है, इसीलिए आपको शायद परेशान भी कर रहे हैं, आपको मारेंगे कोई नहीं, बाकी हमारे दिलीप भाई बताएंगे जो